उठता है, सच की चोंच नोकीली है, सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है, फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है, हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है, सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। बेटियों के बल्ले बल्ले और अब एक फिल्म की है उल्टे जो अब रिलीज होने वाली है और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है जो बेसिकली आईज का जो प्रॉब्लम है ये वो तो ये पूरा मंथ फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को एंड आई थिंक वेरी गुड कॉज सो आई सी वेरी गुड बीइंग ओके शिवा सर क्या कुछ कहेंगे इस एक वर्ष पूरा होने मुझे लगता है किसी भी चीज़ का दान जो करता है इंसान बहुत बड़ा दान और जो नेत्र का जो सारी चीज़ें करते हैं वो तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ सबसे बड़ा दान है अगर उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं अगर उसके लिए लोगों के लिए चैरिटी होती है तो आप लोगों के ड्रीम्स जो आपको में बसते हैं वो देख सकते हैं और ड्रीम्स जो दिखाने के लिए लोग इतनी सारी फ्री दवाइयाँ देते हैं आपको बुद्धि रखने के लिए आपको ऑपरेशन के लिए तो मुझे लगता है ये एक नहीं मैं हमें भी बाहर जाकर लोगों से ये बोलना चाहिए कि बार बार ये लोग हम जैसे सेलिब्रिटीज यहाँ आएँ और इस बात को और इस चीज़ को दोहराएँ और लोगों को जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों में शामिल हो और उनको लाभ मिले ओके अरुण जी आप क्या कुछ कहेंगे इस इंटायर टीम को और इनके जिले को जो ये कार्य कर रहे हैं कितना सारा है मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भी भलाई होती है कलियुग के बीच में जहाँ जहाँ भी भलाई होती है अच्छा काम होता है एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग का ख्याल करता है उसके पास रिसोर्सेज है अपने रिसोर्सेज को दूसरे की भलाई के लिए लगाता है जैसे आँखें आँखें तो बहुत बड़ी नेमत है वहाँ पे मुझको ऐसा लगता है जैसे कलयुग में एक सतयु का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बींग अ टी ग्राउंड फिल्म उल्टे कि हम एक महीने में या 15 दिन में जब जब भी हमको समय मिलता है 2 बार 4 बार 6 बार हम जाते हैं और जाके अपना वहाँ पर जो भी हम उसका एंडोर्समेंट है वो करते हैं हम सब लोग पूरी टीम जो उल्टे की है हमारे डायरेक्टर मिस्टर मनोज नथवानी चीफ ऑफेंडर शिवा मैसर आदि सब लोग जाकर एंडोर्समेंट करते हैं उससे क्या है कि एक मरीजों को भी अच्छा लगता है और हमारी फिल्म को एक 5 से 10% जो एक दवाई मिलती है आशीर्वाद मिलता है वो हमारी फिल्म के लिए बहुत अच्छा लगता है एंड वी विल कीप एंडोर्सिंग दिस कीप
ब्लेसिंग कीप डूइंग दिस ताकि और लोग आए और वो और ज़्यादा अच्छा काम करें। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने आँखों को मेरे जाने के बाद तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी हैं इंसान आए आगे बढ़े उनको बोले कि आँखें स्वच्छ रखें ताकि आपके जाने के बाद बहुत बढ़िया जी सर एक नायाब तरीका है प्रमोशन का फिल्म के उल्टे की बात करें तो लोग माहौल में जाते हैं इधर उधर जाते हैं लेकिन गरीबों के बीच में जाके लोग आपकी टीम इस तरीके का प्रमोशन कर रही है काबिल तारीफ है और कहाँ से ऐसी ऐसी ख्याल कैसे आए और किसकी किसकी उपज है ये इस प्रकार से आप प्रमोशन करेंगे लोगों के ये प्रमोशन तो हो ही रहा है लेकिन बिना प्रमोशन के भी अगर जीत भाई या मनोज भाई या जो भी ये अच्छा काम कर रहे हैं अगर उनको बुलाते तो आई एम श्योर ऑल भी आर्टिस्ट बुला रहे हैं तो प्रमोशन अपनी जगह है लेकिन ये काम है ये बहुत बड़ा काम है प्रमोशन से भी बड़ा काम ये है एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस बिकॉज आई नो ऑल ऑफ दिस आर्टिस्ट हु आर विद मी दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल एंड हेल्पफुल पीपल एंड दे विल फिल्म और नो फिल्म हम जाएँ जब उसने बल पे आगे बढ़े हैं जिंदगी में जो विच स्क्रैच से आगे बढ़े उनको पता है कि दुनिया में तकलीफ क्या होती है दुख क्या होता है पैसा क्या होता है तो आज मैं उस फिल्म के लिए नहीं हूँ मैं एज अ गेस्ट आई हूँ लेकिन जैसे मुझे बताया कि आँखों की बात और आप ये एक सीक्वेंस चल रहा है लोगों को फ्री में देना चाहता तो मैं आगे तो उससे अगर मैं इनसे बोलता है या इनसे बोलता तो एक बार सोचते नहीं है मतलब एक कदम आगे कुछ भी तकलीफ महसूस जो है अच्छी तरह से चश्मा पहले तो छोटी दिन में जाते हैं थोड़ा थोड़ा अपडेट करना पड़ता है बोले नहीं और कम हियर फॉर चेकअप एंड आई फाइंड द सर्विसेज एंड द डॉक्टर्स ओवर हियर आर वेरी एफिशिएंट एंड दे गिव गुड सर्विस एंड एट द प्राइस एट विच द ट्रस्ट इज रनिंग दिस इट इज़ रियली वेरी क्रेडिटेबल फॉर ऑल ऑफ यू एंड वेरी ग्रेट एफर्ट बाय ऑल द डॉक्टर्स एंड द एंटायर स्टाफ थैंक यू थोड़ा जोर से बोलो मैडम हिंदी में जोराना बोला हिंदी में आते हिंदी मराठी कुछ भी चलेगा बोलो जोर से बोलो कितना आराम मिला मेरा नाम कीर्ति किशोर माही है मैंने जियो ड्यूटी केयर में पहले आँख चेक किया था उसके बाद मैंने चेक बनाया यहाँ के डॉक्टर स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे हैं ये लोग स्टाफ के लिए बहुत केयरफुल है राजभवन में आते हैं दूर दूर से आते हैं किस प्रकार की सेवाएं यहाँ दी जाती हैं और आप ट्रस्टी होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप सबसे पहले और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में किस प्रकार का सेवाएं देती है ये और क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं हर्षा दीपक वजीदार हम लोग ने सब ने मिल के ये जीवो सेवा ट्रस्ट चालू किया है जो हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा के लिए उसमें सबसे पहले हमने ये जीनी आई केयर सेंटर स्टार्ट किया है
जो जहाँ आपको आँखों की जांच होती है और बहुत कम पैसे में होती है, जो वैसे आना चाहता है किसी को कुछ, जो हमारे डॉक्टर्स हैं सब एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ 6 डॉक्टर्स आते हैं, सब अच्छे हैं, और जो भी पेशेंट्स आते हैं जिसको कैटरेक है, मोतीबिंदु का ऑपरेशन करना है, वो बहुत मिनिमम चार्ज लेते हैं हम लोग, जो 5,000 रुपया कुछ नहीं है। बाहर जो भी बहुत ज़्यादा लोग होते लोग दे नहीं सकते कि किसी को आँख की तकलीफ़ है और ऑपरेशन करवाना चाहता है, और जो पैसे नहीं देता है तो वो सोचेगा कहाँ जाए। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसी हॉस्पिटल चालू करें कि जहाँ सब लोग आ सके, जो गरीब है वो भी आ सके, जिसको ज़्यादा अच्छा करना है वो भी आ सके, सबके लिए हमने एक ये जिनी आई केयर सेंटर खोला है, और बहुत लोग यहाँ इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और लोग आए और जो हम सेवा दे रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे, और लोग यहाँ आए और देखें कि डॉक्टर कैसे हैं, ये कितना क्या हो रहा है, जियो सेवा ट्रस्ट क्या कर रहा है, जिनी आई केयर सेंटर है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जियो सेवा ट्रस्ट लोगों के लिए काम कर रहा है। तो हमारी इच्छा है कि हम लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके। इसके लिए हमने आज ये एक हमारा एक साल पहले हम सब लोगों ने मिलके जिनी आई केयर सेंटर चालू किया था, जिसको आज एक साल पूरा हुआ, और हमें बहुत खुशी है कि बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया, और लोगों ने जो बेनिफिट लिया उससे जो कैटरेक वगैरह ऑपरेशन हुए हैं, इतना अच्छा उनका रिजल्ट आया है, डॉक्टर भी इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। आज वो जो जा रहे हैं वो 5 लोगों को बोल रहे हैं कि जिनी सेवा जियो सेवा ट्रस्ट की जिनी आई केयर सेंटर है, वहाँ आप जांच कराइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपको मिलेगा, बहुत अच्छे कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपको देखेंगे, जो हमारे स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हमेशा हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। जो कोई गरीब भी आता है जिसे पैसे की कमी है, जो नहीं दे पाता है, उसे भी हम फ्री में ऑपरेशन करवा के देते हैं यहाँ। बाकी मेरे जो ट्रस्टी हैं बाकी सब, वो भी हमेशा हमें सहकार देते रहे, और मैं चाहती हूँ कि ये जियो सेवा ट्रस्ट और जिनी आई केयर सेंटर हमेशा ऐसी एनिवर्सरी मनाते रहे, सालों साल हम और अच्छा काम करें, और लोगों से हम ये चाहते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। हमारा एक साल जो हो रहा है उसके संदर्भ में हमने ये पूरा अगस्त महीना जो आई चेकअप है उसको हम फ्री कर दिया है, जो भी यहाँ आएगा उसका फ्री में चेकअप हो जाएगा, हमारे स्पेशल डॉक्टर फ्री में चेकअप करेंगे। ओके, मॉनसून ऑफर नहीं, ये एनिवर्सरी ऑफर है, फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्स्ट अगस्त से लेके 31 अगस्त तक बिल्कुल मुफ्त। हमारा टाइमिंग सुबह 9 से 4 तक रहेगा। ऑपरेशन के केवल इलाज मतलब चेकअप ऑपरेशन के तो जो चार्जेस हैं थोड़े बहुत हम वो भरेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत खर्चा आता है। बाकी जो आई चेकअप है जो बाहर 1,000-1,500 रुपये में होता है, हमारे यहाँ निःशुल्क हो जाएगा। और चश्मे वगैरह का? चश्मे भी हमारे यहाँ स्पेशल ऑफर है, 99 से हम लोग दे रहे हैं, 99 में आपको चश्मा मिल जाएगा बना के। मैं डॉक्टर स्वीडन दिमेलो शिंदे, और मैं जैसे स्टार्ट हो गया तब से यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रस्टीज़, और अच्छी सेवा कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं, और ट्रस्टीज़ के साथ हमारा व्यवहार मतलब वो हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा कर रहे हैं, व्यवहार भी अच्छा है, हमको एकदम घर जैसा है। ओके, तो एक साल पूरा हुआ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या 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 रहा, कैसा रहा अनुभव, अगर पूरे एक साल की बात करें, जो पेशेंट थे आए उन्होंने इलाज करवाया फिर वापस आए, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पेशेंट्स काफ़ी खुश होके जाते हैं क्योंकि एक ही जगह सब कुछ हो जाता है, और काफ़ी मतलब अच्छी रेट में सर्जरी वगैरह होती है, तो पेशेंट खुश होते हैं, अच्छा सर्विस मिलता है, और फिर वो रेफर भी करते हैं, तो ऐसे ही पेशेंट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो एक साल में अच्छा पिकअप रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु शाह है, मैं बेसिकली कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, तो यहाँ पे जिन जिन पेशेंट को स्पेसिफिकली कॉर्निया का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि कॉर्नियल इन्फेक्शन है, या फिर ड्राइनेस है आँख में, या फिर उनको कुछ केमिकल इंजरी है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके लिए स्पेशली मैं देखती हूँ, साथ साथ में मैं कैटरेक्ट वगैरह भी करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए स्पेसिफिक जो चीज़ है कि कॉर्निया रिलेटेड कोई पेशेंट्स रहेंगे तो मैं
मैं उनको स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो इस तरह से पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट, इलाज जो है वो फास्ट हो जाता है। हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, तो इसके लिए उनकी स्पेशलाइज सेवा भी कर सकते हैं। जिन्हीं के ट्रस्टियों ने हमें बहुत सारा हेल्प दिया है और सपोर्ट भी दिया है, सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर इसके लिए। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.